भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए देश के सेलिब्रिटियों को लेकर फैसला लिया है, जिसमें उनके द्वारा किए जा रहे विज्ञापनों को उन्हें सोच समझ कर करना होगा। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मशहूर हस्तियां और प्रभावशाली लोग भी उतनी ही कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं जितने वो लोग जो भ्रामक तरीके से किसी उत्पाद या सेवा का विज्ञापन करते हैं। और सभी विज्ञापनदाताओं को प्रिंट में विज्ञापन या विज्ञापन जारी करने के पहले यह वचन देने का आदेश दिया गया कि उनके विज्ञापन भ्रामक नहीं है। वहीं योग प्रतिपादक और उद्यमी रामदेव द्वारा समर्थित पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों को चुनौती देने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये टिप्पणी की। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की सदस्यता वाली पीठ ने कहा, उपभोक्ता उत्पाद का समर्थन करते समय मशहूर हस्तियों और सार्वजनिक हस्तियों के लिए जिम्मेदारी से काम करना जरूरी है, क्योंकि भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए विज्ञापनदाता और समर्थनकर्ता समान रूप से जिम्मेदार है। न्यायाधीशों ने कहा, हमारी राय है कि विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसियों और समर्थनकर्ता झूठे और भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। विज्ञापन के दौरान किसी भी उत्पाद का समर्थन करते समय और उसकी जिम्मेदारी लेते समय उन्हें जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। वहीं इस आदेश में कहा गया कि नियम उपभोक्ताओं की सेवा करने और ये सुनिश्चित करने के लिए है कि उन्हें बाजार में खरीदे गए उत्पादों के बारे में जागरूक किया जाए। हम जानते हैं कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों को एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करने की आवश्यकता है जो उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज, जिनसे 23 अप्रैल को अदालत ने बताने के लिए कहा था कि भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उपभोक्ता मामले, स्वास्थ्य, सूचना और प्रसारण और आयुष मंत्रालय द्वारा अलग अलग कार्रवाई रिपोर्ट पेश की। इससे पता चलता है कि केंद्र ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए सतर्क था। जानकारी के लिए बता दें कि टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में उन्होंने बताया कि टीवी नेटवर्क के पास अपनी नियामक संस्थाएं हैं। केवल हालिया संशोधन के तहत ASG ने कहा कि वो नियमन के अलावा सामग्री और शिकायतों की निगरानी के लिए एक निरीक्षण समिति और इसके ऊपर एक अंतर विभागीय समिति है। कहा जाता है कि उपभोक्ता राजा है, किसी एजेंसी की ओर से कुछ जवाब ही होनी चाहिए। पीठ ने कहा, हम इस मुद्दे को उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, अगर कोई सिस्टम है तो उसे काम करना चाहिए। कोर्ट ने कहा, लोगों को किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बढ़ावा देने वाले सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते। उनकी तरफ से किया गया समर्थन किसी उत्पाद को बढ़ावा देने में काफी मददगार होता है, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। उन्हें भ्रामक विज्ञापनों का हिस्सा बनकर गलत उत्पाद या सेवा के प्रति अपना समर्थन नहीं देना चाहिए।